नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सक्सेस में। तो आज हम लोग डेली करेंट अफेयर्स में 19 अप्रैल से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे एग्ज़ाम के लिए, रेलवे, SSC, बैंक, GD, जिसमें भी अदर कम्पटिटिव एग्ज़ाम जिसमें करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो अगर जो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर एक है, क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने किस टीम के द्वारा बनाया गया 322 रनों का लक्ष्य हासिल कर विश्व कप इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज पूरा किया है? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक है वेस्ट इंडीज, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, वेस्ट इंडीज हो जाएगा। तो विश्व कप इतिहास में सबसे बड़े सफल रन चेज का रिकॉर्ड आयरलैंड के नाम है, जो उसने साल 2011 में इंग्लैंड द्वारा दिया गया 328 रनों का लक्ष्य हासिल कर बनाया था। बांग्लादेश की तरफ से जो साकिब ने 99 गेंदों में 16 चौके की मदद से 124 रनों की नबाद पारी खेली थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो, तो निम्न में से किस बॉलीवुड एक्टर ने उत्तर प्रदेश में आँख की बीमारियों को बचाव को लेकर अभियान सी नाउ लॉन्च किया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमिताभ बच्चन। तो इसके तहत जो है उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, लखीमपुर खीरी और सीतापुर शहरों में जो है रेडियो, TV, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से आँखों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। बतौर अमिताभ बच्चन बचाव जो है जानकारी न होने से ज़्यादातर लोगों की आँखों की बीमारियां होती है। अभियान को द फ्रेंड होलोज फाउंडेशन और एसिस्योर विजन फाउंडेशन ने सिगत सेवर्स इंडिया व विजन 2020 के साथ मिलकर लॉन्च किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सिचुआन प्रांत में आए 6.0 तीव्रता वाले भूकंप के कारण करीब 12 लोगों की मौत हो गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चीन। तो स्थानीय मीडिया के अनुसार जो है भूकंप से करीब 1 लाख लोग प्रभावित हैं और 10,000 इमारत की नुकसान पहुँचा है। मंगलवार सुबह ही जो 5.2 तीव्रता के झटका महसूस किए गए। चीनी भूकंप केंद्र CNC, चीनी भूकंप केंद्र का जो है फुल फॉर्म होता है CNC के अनुसार भूकंप का केंद्र जो है 28.34 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 104.90 डिग्री पूर्वी देशांतर में सतह से 16 किलोमीटर अंदर दर्ज किया गया। इस इलाके में साल 2008 में 7.9 तीव्रता के भूकंप से करीब 87,000 लोगों की जान गई थी और वो लापता भी हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार, तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 1,000 अतिरिक्त विदेशी अधिकरणों की स्थापना की मंजूरी दी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। तो विदेशी अधिनियम 1946 के तहत, विदेशी अधिनियम जो है 1946 के तहत वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है विदेशी माना जाता है। यूनेस्को के अनुसार जो है आमतौर पर ऐसे लोगों को अवैध प्रवासी कहते हैं जो रोजगार के लिए अन्य देशों में बिना अनुमति और आवश्यक दस्तावेज के प्रवेश करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पाँच, तो जर्मनी तथा किस देश के वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम स्पेक्ट्रम रोंटजेन गामा नामक अंतरिक्ष दूरबीन लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस। तो यह दूरबीन जो है ब्रह्मांड का त्रिआयामी एक्सरे मानचित्र का निर्माण करेगी। यह जो दूरबीन है जो बन रहा है स्पेक्ट्रम रोंटजेन गामा नामक अंतरिक्ष दूरबीन, इससे जो है ब्रह्मांड का थ्री आयामी मतलब 3D थ्री डायमेंशन जिसे कहते हैं थ्री डायमेंशन एक्सरे मानचित्र का निर्माण करेगी और अज्ञात विशालकाय कृष्ण पिंड डार्क एनर्जी एवं सितारों के रहस्य को सुलझाने में मदद करेगी। इस दूरबीन को रूस निर्मित रॉकेट Proton-M के जरिए कजाकिस्तान के बैकानूर कोस्कोड्रम से अंतरिक्ष में उतारा जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो हाल ही में किस राज्य में भीषण गर्मी के कारण रेड अलर्ट जारी करते हुए कुछ स्थानों पर धारा 144 लागू किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार। तो बिहार में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में अब तक गर्मी से 78 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। अकेले औरंगाबाद में जो है 47 लोगों की मौत हुई है, औरंगाबाद में जो है 47 लोगों की मौत हुई है, जबकि गया में गर्मी को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं भीषण गर्मी के कारण 22 जून तक बिहार के सभी स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जारी किया है कि सभी स्कूल जो है 22 जून तक बंद रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तो संयुक्त राष्ट्र यूएन की द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 रिपोर्ट के मुताबिक चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत किस वर्ष तक विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2027, यानी अगले जो है 8 साल 2027 तक चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र यूएन की जो है द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2019 से 50 तक 27.30 करोड़ लोग बढ़ जाएंगे। अभी भारत की जनसंख्या 137 करोड़ है, वही चीन की जनसंख्या 143 करोड़ है। भारत की जनसंख्या टोटल 137 करोड़ है और यहाँ चीन की जो है 143 करोड़ जनसंख्या अभी वर्तमान में है। यूएन के रिपोर्ट की माने तो इस सदी के अंत तक भारत की आबादी 150 करोड़ के लगभग हो जाएगा। भारत की आबादी जो है सदी के अंत तक 150 करोड़ हो जाएगा, जबकि जनसंख्या को नियंत्रित करने की नीतियों के कारण चीन की आबादी जो है 110 करोड़ पर रुक जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो निम्नलिखित में से किस दिन मरुस्थलीय व सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 17 जून। तो हर साल विश्व भर में 17 जून को विश्व मरुस्थलीय व सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को घोषणा जो है 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तावित पारित करके जो है पारित किया गया था। इस वर्ष की थीम लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर है। इस वर्ष का जो थीम रखा गया है उसका नाम है लेट्स ग्रो फ्यूचर टुगेदर। इस वर्ष का जो है ये थीम रखा गया है और ये पारित हुआ था कब, इसका जो है घोषणा किया गया था कब, तो 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके इसको घोषणा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तो निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष चयनित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जेपी नड्डा। तो दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक से यह फैसला लिया गया कि अमित शाह ने जो है 5 साल तक पार्टी अध्यक्ष का दायित्व सफलतापूर्वक निभाया। अब अमित शाह गृह मंत्री हैं, इसलिए उन्होंने किसी और को अध्यक्ष का दायित्व देने का आग्रह किया है। तो संसदीय बोर्ड ने तय किया कि जेपी नड्डा बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। इस बीच अमित शाह पार्टी अध्यक्ष जो है बने रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और आज का है लास्ट क्वेश्चन, तो 17वीं लोकसभा के लिए एनडीए द्वारा निम्नलिखित में से किसे लोकसभा स्पीकर के पद हेतु नामांकित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओम बिड़ला। तो लोकसभा अध्यक्ष बनने के रेस में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, राधा मोहन सिंह, रमापति राम त्रिपाठी, एमएस अहलूवालिया और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जैसे कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल बताया जा रहे हैं। लोग बिड़ला द्वारा नामांकन दाखिल किए जाने के बाद उन्हें औपचारिक रूप से लोकसभा स्पीकर चुना जाएगा। ओम बिड़ला राजस्थान के कोटा से जो है बीजेपी के सांसद है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।